किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज एसडीएम कार्यालय में किसानों ने ज्ञापन सौंपा। मंडला नैनपुर विकास खंड के खरीफ एवं रबी सीजन में किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध न होने के कारण एवं किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों में है, जहां उन्हें सरकारी मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में किसानों को प्राइवेट संस्थानों से नगद खाद विक्रय करना पड़ रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। उनकी मांग है कि उन्हें शासकीय मूल्य शासकीय खाद वितरण केंद्र से खाद प्रदान की जाए, और वर्तमान में जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि आदेश 2020 पास हुआ, उसे वापस लेने की मांग की। किसानों ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस आदेशों को वापस नहीं लेती है तो किसान आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मंडला से राज कौशिक की रिपोर्ट। के द्वारा विगत कई वर्षों से उसमें कोई सुधार कार्य नहीं किया गया है, तो हमने उनसे मांग की है कि भाई उनका समय रहते सुधार कार्य कराया जाए, ताकि आने वाले समय में किसानों को पानी लेने में भी कोई समस्या ना हो, और जो हम डैम में पानी इकट्ठा होता है वो वेस्टेज होता है, उसकी भी बचत हो सके, ताकि आने वाले समय में वो उस पानी का सदुपयोग हो सके। आगे एक समस्या और आने वाली है कि कुछ समय के बाद में जो समर्थन मूल्य में खरीदी होती है, वो जो ओपन कैप बना हुआ है वहाँ पर खरीदी करने के निर्देश मिल रहे हैं, ऐसी जानकारी लगी है। किसान यूनियन से जो अभी मुझे ज्ञापन मिला है वो खाद वितरण की समस्या को लेकर के है, और कृषि अध्यादेश जो कल लागू हुआ है इसके भी विरोध में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है किसान यूनियन। आज लगभग मैडम कितने किसान आपके पास ज्ञापन दिए? संख्या में मेरे ख्याल से 30 से 40 किसान आए।